गुड इवनिंग ऑल। दिवाळी स्पेशल लेक्चर, दिवाळी स्पेशल का रे? तर आज सुट्ट्या स्टार्ट होत आहेत आपल्या। आज सकाळीच काही जणांचे मेसेजेस, सर प्लीज आजपासून सुट्ट्या द्या। सो उद्यापासून म्हणजे ऍक्च्युली तसं पाहिलं तर कालपासूनच दिवाळी सुरू झाली आहे, पण उद्या माझ्यामध्ये धनुत्रयोदशी आहे, तर उद्यापासून आपल्या सुट्ट्या स्टार्ट होतील पुढच्या फ्रायडेपर्यंत। ओके, सो हॅपी दिवाळी इन ॲडव्हान्स। आज आपण अलगीला सुरुवात करणार आहे। काल माझ्या मते काय झालं होतं आपलं कम्प्लीट, अलगीचं जनरल इंट्रोडक्शन कम्प्लीट झालं होतं। तीन टाईपच्या अलगी आपल्याला बघायच्या आहे, फिओफायसी, क्लोरोफायसी अँड रोडोफायसी। त्याला जाण्याच्या पूर्वी मी तुम्हाला हे सांगणार होतो की बरेच जण या सुट्ट्यांमध्ये अभ्यासाचा प्लॅन करत असतील, तर मला असं वाटतं की तुमचा आतापर्यंतचा जो अनुभव आहे 11th 12th पदय किंवा 10th पूर्वीचा, जस्ट अ मोमेंट, 10th पासून आजपर्यंत तुमचा जो एक्सपिरियन्स आहे की आपण सुट्ट्यांमध्ये अभ्यास करायचा, मग तुम्ही प्लॅन करतात की आपण सकाळी 6 उठायचं, मोती साबणाने किंवा उठण्याने आंघोळ करायची, 7 7 फराळाचं करायचं एकदमच दाबून, त्यात तर आपण काही मोजत नाही, मोजायला पण नाही पाहिजे, ऑब्व्हियसली नाहीच मोजायला पाहिजे, तो काय मोजण्याचा विषय, तर तिथून 7:30 पासून ते आपण 1 अभ्यास करणार, मग त्याच्यानंतर आपण एन्जॉय करणार, असे आपले वेगळे वेगळे प्लॅन असतात जे की फुलफिल होत नाही। आणि मग आपल्या माइंडमध्ये कुठेतरी सबकॉन्शियसली सुरू असतं की आपण अभ्यासाचा प्लॅन केला होता, आपण हे ठरवलं होतं, ते ठरवलं होतं, फिजिक्स कम्प्लीट करणार होतो, बायोची हे टॉपिक कम्प्लीट करणार होतो, आणि ते होत नाही, आणि त्याच्या नादामध्ये सुट्ट्या पण पाहिजे तेवढ्या एन्जॉय होत नाही। ओके पाहिजे तेवढ्या एन्जॉय होत नाही। त्यामुळे सरळ उद्यापासून जे 4-5 दिवस सणांचे आहे, भाऊबीजीपर्यंत किंवा त्याच्यानंतर एखाद दिवस, तर ते सरळ काहीच अभ्यासाचं करायचं नाही, विचार देखील कम्प्लिटली दिवाळी एन्जॉय करा, घरच्यांसोबत राहा, कारण त्याच्यानंतर म्हणजे आता त्याच्यानंतर जे सुरू होईल सगळं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला भयंकरच मेहनत करायची आहे। आतापर्यंत कसं होतं, सुरुवात आहे, रिपीटची सुरुवात आहे, त्याच्यामध्ये थोड्या चाल ढकल झाल्या गोष्टी, पण आता दिवाळीनंतरचं वातावरण फार डिफरंट असेल, काउन्सिलिंग संपेल, सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या थांबतील, आणि एक्सक्लुझिव्ह रिपीटचं वातावरण बनेल दिवाळीनंतर। म्हणून सांगतो की 4 एन्जॉय करा, पण त्यानंतर 5वा किंवा 6वा दिवस जो काय तुम्ही ठरवाल तुमच्या हिशोबानं, त्या दिवसापासून इमानदारीनं तुमचा 15-16 शेड्यूल फॉलो करा अभ्यासाचा, मग तिथं मात्र नंतर कॉम्प्रोमाइज नाही। म्हणजे 4 अभ्यासाचं नाव नाही काढायचं, अभ्यासाचा विचार नाही करायचा, जे होईल ते 4-5 सण सगळा संपल्यानंतर बघायचं, जो दिवस ठरवाल तो 5वा ठरवा की 6वा ठरवा, त्याच्यानंतर मात्र अजिबात स्वतःवरही दया करायची नाही, काहीच एक्सक्युजेस द्यायच्या नाही, टाइम अजिबात बघायचा नाही की बाबा बऱ्याच जणांनी सवय असते की 1 करू 2, अजिबात नाही, अभ्यास आणि अभ्यास, कारण तसं झालं तरच क्रॅक होतं। नीट क्रॅक करणं फार मोठी गोष्ट नाहीये, 105 टॉपिक आहेत, ओके, ती फार मोठी गोष्ट नाहीये, कन्सिस्टंट राहणं मोठी गोष्ट आहे, म्हणजे जे कन्सिस्टंट राहतात त्यांच्याच्यानं क्रॅक होतच, फक्त तुम्हाला कन्सिस्टंट राहणं अवघड आहे, तर तेवढं एक जपा इथून पुढे। तर चलो भाई फिर दिवाळी स्पेशल लेक्चर को सुरुवात करते हैं। हमने कल अलगी जो है, अलगी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। सो अलगी थैलोफाइट्स में आते हैं। थैलोफाइट्स में क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, उनकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, दे आर क्लोरोफिल बियरिंग जस्ट अ मोमेंट, ओके, दे आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, लार्जली एक्वेटिक, तो कौन से पानी में, कल ही कहा था फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर में जिंदा रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है, दे ऑकर इन वराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, जैसे कि मॉइस्ट, कोई कैसी भी जगह चल जाती है उसको, वो स्टोन हो, सॉइल हो, वुड हो, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे कि बात हुई थी फंगस के साथ लाइकेन फॉर्म करने की, या फिर मैंने स्लॉथ बियर दिखाया था जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट ऑर्गेनिज्म है, ज्यादा कुछ टेंशन ही नहीं लेता वो लाइफ में, स्लॉथ बियर याद है ना, लोड ही नहीं लेता, पेड़ पर बैठा रहता है और एक ही चीज के लिए उठता है, और वो है खाना, खाना है, बैठना है। तो या दिवाळीमध्ये स्लॉथ बियर सारखं राहा तुम्ही पण,
एकदम खायचं झोपायचं उठायचं, खायचं झोपायचं उठायचं, मध्ये मध्ये वाटलं तर ब्रश वगैरे करून घ्यायचा. सो त्याच्यानंतर आणि आंघोळ एक कशाने, मोती साबण किंवा उठण्याने आंघोळ, नंतर परत ती होत नाही आपल्याकडनं. ओके, सो द फॉर्म अँड साईज ऑफ अल्गी व्हेरिएबल आहे. जैसे की मैंने कल दिखाया था कॉलोनियल कौन था, वॉलवॉक्स था, वॉलवॉक्स कॉलोनियल था. फिलामेंटस जैसे कि यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा, या फिर मैंने कहा था क्लाइमेटोमोनास यूनिसेलुलर अल्गा है जिसका भी जिक्र आगे आएगा. कुछ मराइन फॉर्म्स जो हमने देखे है केल्प्स जैसे, वो 100 मीटर से भी ज्यादा हाइट तक ग्रो कर लेते. तो फॉर्म एक तो यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर है तो कॉलोनी बना के रहेगा, या फिर तीसरा क्या था, फिलामेंटस. जैसे कि फिलामेंटस में कौन है, सू है. ये क्या है, फिलामेंट है, और उसमें कौन आता है, सू आता है. सू इज फॉर स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स. ओके, सो द अल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, फ्रेगमेंटेशन है. देन ईच फ्रेगमेंट फिर एक कंप्लीट थैलस या ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल ज़ूस्पोर से होता है और वो फ्लैजेलेटेड होते हैं, इसलिए ही तो मोटाइल है ना. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने तीन तरीके बताए थे कि अगर गैमेट एक जैसे है, इफ गैमेट्स आर सिमिलर देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगैमस. ओके, गैमेट्स अगर एक जैसे है तो आइसोगैमस, और अगर गैमेट्स अलग अलग है तो अनआइसोगैमस. अनआइसोगैमस का एग्जांपल क्या था, यूडोराइना. अब आप कहोगे आइसोगैमस का क्या है, तो आइसोगैमस में डिपेंड करता है. क्राइटेरिया क्या है आइसोगैमस कहने का, तो क्राइटेरिया ये है कि भाई आइसोगैमस में दोनों गैमेट सेम होने चाहिए. अब दोनों गैमेट सेम है और मोटाइल है तो एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स. दोनों गैमेट सेम है और नॉन मोटाइल है तो एग्जांपल है स्पायरोगायरा. एग्जांपल क्या है, स्पायरोगायरा. देन उसके बाद ऊगैमस, जिसमें बड़ा सा ऊ, ऊ इज फॉर क्या, मतलब वो गैमेट है, बड़ा गैमेट, बड़ा ऊ का ओ बड़ा लेगा, और ऐसा स्पेरिकल नॉन मोटाइल गैमेट किसका होगा, फीमेल का होगा, और नॉन मोटाइल छोटा, सॉरी मोटाइल छोटा या स्मॉलर गैमेट जो है वो मेल का होगा. इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है ऊगैमस. एग्जांपल वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, ये हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद अल्गी का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है या फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो अल्गी बहुत ज्यादा हाई रेट पर CO2 फिक्स करता है. इनफैक्ट 50% आधा CO2 इस दुनिया में जो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है वो अल्गी फिक्स कर रहे हैं. और CO2 यूज करके जिस परसेंटेज में CO2 लिया जाता है उसी परसेंट में O2 छोड़ा जाता है. तो तेवढ्याच प्रमाणात अल्गी त्याच्या आजूबाजूला काय सोडून देतात, ऑक्सिजन. ही डायग्राम मी परत येईल, म्हणजे आता आपल्याला हेच बघायचं आहे. ह्या ग्रीन अल्गी आहेत, त्याच्यानंतर हे ब्राऊन अल्गीचे एक्झाम्पल्स आहेत, आणि शेवटी रेड अल्गीचे एक्झाम्पल आहे. तर या डायग्रामवर मी परत येईल. ओके, तर मग आता या बोर्डवर जे तुम्हाला स्पष्टपणे दिसतंय की अल्गीचं इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स काय, CO2 खूप जास्त प्रमाणात फिक्स होतो, खूप जास्त प्रमाणात CO2 फिक्स करून तेवढाच आजूबाजूला तो काय सोडतो, गॅस सोडतो. पण कसा, ह्युमन बिंग सारखा गॅस नाही सोडत अल्गी. कोणता गॅस सोडतो, ऑक्सिजन, जो बाकीच्यांसाठी गरजेचा आहे. म्हणजे अल्गीने सोडलेल्या गॅसमुळे आजूबाजूचे ऑर्गॅनिझम जे अक्वॅटिक ॲनिमल्स आहेत ते नाक नाही दाबत, ते उलट तो घेतात, कारण तो ऑक्सिजन असतो. ओके, देन नको बाबा सणासुदीचं असं काहीच बोलतो चलतं, प्रदूषित बोलणं नको आपण या इकडे. तर हा, त्यानंतर पुढचा कॉन्सेप्ट काय होता, अल्गी जे आहे त्याच्यामध्ये काही हायड्रोकोलॉइडल म्हणजे वॉटर होल्ड करके रखने वाले सबस्टन्सेस प्रोड्यूस करने की ॲबिलिटी होती आहे. जैसे की ग्रीन अल्गी अल्गीन प्रोड्यूस करता है, ग्रीन अल्गी क्या है, अल्गीन प्रोड्यूस करता है, और रेड अल्गी कैराजीन प्रोड्यूस करता है. ये क्या है, दे आर हाइड्रोकोलॉइड्स, यानी कि वॉटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है. ओके, उसके बाद अगार, अगार कौन प्रोड्यूस करता है, तो अगार का जी बड़ा करना है, क्योंकि जी इज फॉर ग्रासिलारिया एंड जी इज फॉर जेलिडियम. ग्रासिलारिया और जेलिडियम, और ये है कौन, ये कौन है, रेड अल्गी है. तो ग्रासिलारिया और जेलिडियम इन सबका निमोनिक है, एकाच निमोनिक मध्ये, लक्षात ठेवा, एकाच निमोनिक मध्ये आपण तिन्ही फॉर्मच्या अल्गीचं लक्षात ठेवणार आहेत एक्झाम्पल्स. त्याच्यामुळे हे जे नावं आता येतात ते नंतर तुम्हाला, नंतर म्हणजे आजच्याच लेक्चरमध्ये तुमचे क्लिअर होऊन जातील. एकच निमोनिक आहे तिन्ही क्लासेससाठी. उसके बाद क्लोरेला जो है वो अर्थ के बाहर भी यूज होता है. लोग अर्थ के बाहर जब जाते हैं स्पेस ट्रैवलर्स, तो खाने के लिए इस क्लोरेला को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा प्रोटीन्स होता है. अब कल का वो चार्ट याद करो, क्या था चार्ट, कि भाई
आपका किंगडम प्लांटी जो है वो क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम ऐसे दो सब किंगडम्स में डिवाइडेड था। हमने क्रिप्टोगैम शुरू किया क्योंकि सीडलेस प्लांट का वो सब किंगडम है। इसमें अब किंगडम कौन बनाते हैं, तो किंगडम बनाते हैं डिविजन्स। तो अल्गी क्या है, डिविजन है। हम जो पढ़ रहे हैं हेडिंग अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये डिविजन्स है। डिविजन के नीचे क्या होता है, क्लासिफिकेशन की हायरार्की याद होगी आप लोगों को। तो डिविजन के नीचे होता है क्लास, डिविजन के नीचे क्या होता है क्लास। तो ये जो अल्गी है, ये अल्गी डिवीजन तीन मेन क्लासेस में डिवाइडेड है। एक होता है क्लोरोफाइसी, दूसरा होता है फियोफाइसी और तीसरा होता है रोडोफाइसी। तीन डिवीजन में अल्गी डिवाइडेड है। अल्गी क्या है, तो अल्गी एक अल्गी इज अ फाइलम, सॉरी डिवीजन, अल्गी इज अ डिवीजन और ये तीन क्लास में डिवाइडेड है, नॉट इन द डिवीजन। देखो भाई, ये जो है ये रेड अलगा है, ये ब्राउन अलगा है और ये ग्रीन अलगा है, या फिर आप ये इमेज भी देख सकते हो। हमें ये तीन क्लास पढ़ने हैं। दिस इज रेड अलगा या रेड अलगी, ये कौन है, दिस आर द ब्राउन अलगी। आपको यहां पर ग्रीनिश दिख रहे होंगे क्योंकि ब्राउन अलगी जो है उनके जो शेड्स होते हैं वो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक वैरी होते हैं। एग्जैक्टली पूरी तरह से ब्राउन नहीं होता है ब्राउन अलगी, क्योंकि उसका कुछ रीजन है जो हम डिस्क्रिप्शन के वक्त पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं नीचे से ग्रीन अलगी, क्योंकि एनसीईआरटी के सीक्वेंस में पहला ग्रीन अलगी दिया है, दूसरा ब्राउन अलगी दिया है, तीसरा रेड अलगी दिया है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं, आप लंबी सांस खींच के रखो। ग्रीन अलगी ये तो उसका कॉमन नेम है भाई, जैसा दिख रहा है उस वजह से उसको ग्रीन कहा जाता है और उसको बायोलॉजिकली क्लोरोफाइसी कहा जाता है, क्लोरोफाइसी। ओके, तो क्लोरोफाइसी एक तो कॉलोनियल हो सकता है या फिलामेंटस हो सकता है या यूनिसेलुलर हो सकता है। इट कुड बी कॉलोनियल, फिलामेंटस या यूनिसेलुलर। जैसे कि कॉलोनियल का कल मैंने एग्जाम्पल बताया था भैया आप लोगों को, वॉलवॉक्स। ये वॉलवॉक्स जो है ये ग्रीन अलगा ही है। ये जो कॉलोनी दिख रही है आपको, यस, ये जो कॉलोनी दिख रही है ये सारे ग्रीन अलगी के, मतलब यहां पर भी ग्रीन दिख रहा है और ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। किसकी है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी है, जो कि एकदम आकाश कंदीलच वाटू लागला आहे दिवाळीचा। तर लक्षात ठेवा, हा जो आकाश कंदील है ना, हा आकाश कंदील वॉलवॉक्स आहे आणि वॉलवॉक्स हे ग्रीन अलगीचं एग्जाम्पल आहे जे की कॉलोनियल फॉर्मचं आहे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पर कूद के आएंगे एक बार। तो एनसीईआरटी में जिस डायग्राम पर मैं कह रहा था कि मैं फिर से आऊंगा, अब ये लोड होने को टाइम लगेगा, आपके सामने एनसीईआरटी की बुक होगी। तो ऊपर आपको एक साइड में वॉलवॉक्स और एक साइड में दूसरा कौन दिखाया है, दूसरा है यूलोथ्रिक्स जो के फिलामेंटस फॉर्म है। सो वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स ये क्या है, फिलामेंटस है। तो लिख भी लेते हैं यहां पर, कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, सॉरी मैं गलत बोल गया, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स नहीं, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल है भाई, फिलामेंटस। और यूनिसेलुलर ग्रीन अल्गी कौन है, सिंगल सेल से बना, क्लाइमेडो, क्लाइमेडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास। दूसरा पॉइंट, कहां पाया जाता है, एक ट्रिक लक्षात ठेवा था, कुठे सापडतो, तर मोस्टली तो एक्वाटिक एनवायरमेंट फेवर करेल। तो एक्वाटिक एनवायरमेंट कहते ही वहां पर जिक्र होता है, वहां पर बात छिड़ जाती है कि भाई वो पानी कैसा है, फ्रेश है, मराइन है या फिर ब्रैकिश वाटर है। तो याद रखना ये तीनों टाइप के वाटर में पाया जाता है। हैबिटेट, इसका हैबिटेट कैसा है, सो हैबिटेट यानी कहां पर ये रहना पसंद करता है, तो मोस्टली तो एक्वेटिक है। और एक्वेटिक में कौन सा कैसा पानी, तो तीनों, फ्रेश वाटर, मराइन वॉटर एंड द थर्ड वन इज ब्रैकिश वॉटर। आता इथे काही जणांच्या डोक्यावर आठ्या आल्या असतील मी ब्रॅकिश शब्द लिहिताच, कारण फ्रेश वॉटर म्हणजे गोडं पाणी, मराइन वॉटर म्हणजे खारं पाणी, तर ब्रॅकिश वॉटर म्हणजे काय, तर ज्या ठिकाणी नदी समुद्राला मिळते, जिस एरिया में नदी रिवर जो है वो समुंदर में मिलता है, वहां पर फ्रेश वॉटर और मराइन वॉटर जो है वो मिक्स होते हैं, तो उस एरिया की जो सैलिनिटी है पानी की वो हमेशा वैरी करती रहती है और उसे ब्रैकिश वाटर वाटर कहा जाता है। मतलब
एक क्या है फ्रेश वॉटर, दूसरा क्या है मराइन वॉटर, और तीसरा है ब्रैकिश वॉटर, म्हणजे जिथे नदी समुद्राला मिळतीये, जिथे गोड पाणी आणि खारं पाणी एकत्र येत आहे, त्याला त्याला काय म्हटलं जातं, ब्रॅकिश वॉटर असं म्हटलं जातं. ओके, तर अशा तीनही टाईपच्या पाण्यामध्ये हे अल्गी वाढत असतात. पुढे चाललोय, अल्गीचा रंग कसा पोरांनो, तर ग्रीन, पण ग्रीन मध्ये एक शब्द वापरला गेलेला आहे, दे आर ग्रास ग्रीन, दे आर ग्रास ग्रीन. क्यों ग्रास ग्रीन है भाई, तो आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए ग्रास ग्रीन है क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं, कहां पर होते हैं क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल है क्या एक्चुअली, तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर के पिगमेंट है, पिगमेंट का ग्रुप है क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल आता है, तो ऐसे बहुत सारे क्लोरोफिल्स का ये क्या है ग्रुप है, और ये ग्रीन कलर के होते हैं. हाँ, ये बात अलग है कि उनका ग्रीन शेड अलग, मतलब अलग अलग शेड के ग्रीन होते हैं. तुम्ही कुठल्या ही तीन चार टाइपचे प्लांट असलेल्या एरिया मध्ये जा आणि तिथे ते प्लांट्स ऑब्झर्व करा, तुम्हाला प्रत्येकाचा हिरवा रंग सारखाच नाही वाटणार, त्याच्यामध्ये शेड्स असतात, कारण क्लोरोफिल्सचे पण टाइप्स आहेत आणि सगळेच क्लोरोफिल हे ग्रीनच असतात असं, म्हणजे ग्रीनच असतात पण एकाच टाइपचे ग्रीन असतात असं नाहीये, त्याच्यामध्ये शेड्स असतात, काही एकदम डार्क ग्रीन असतात, तुम्ही मिरचीच्या झाडाचे लिव्स बघा, काही थोडेसे लाइट असतात, तुम्ही मका बघा किंवा कापसाचं प्लांट बघा, तो ये जो ग्रीन कलर में जो डिफरेंसेस आते हैं वो डिपेंड करता है उस लीफ में कौन से टाइप के पिगमेंट है, और क्लोरोफिल ऐसा टाइप का ग्रुप है पिगमेंट्स का जो ग्रीन कलर का होता है, और उसमें अलग अलग टाइप आते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल नेचर, और ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों का ग्रीन कलर अलग अलग है, मतलब क्लोरोफिल बी कंपेयर टू ए थोड़ा लाइट ग्रीन है. अब क्लोरोफिल होता कहाँ पे है भाई, तो एक बार प्लांट से ही देख लेते हैं. ये टिपिकल प्लांट का सेल है. ओके, अब इसमें ये हुआ, ये रहा न्यूक्लियस, बाकी ऑर्गन से आज हमें लेना देना नहीं है, इसलिए मैं बाकी ऑर्गन पे बात नहीं करूंगा. ये जो है ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है, दीज आर दी क्लोरोप्लास्ट. यहां पर क्लोरोप्लास्ट ओपन करके दिखाया हुआ है, तो क्लोरोप्लास्ट जब ओपन होता है भाई, मैं इस क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल रहा हूं और यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्लोरोप्लास्ट ऐसा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर झांकोगे ना तो आपको ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, इनको थैलाकॉइड कहा जाता है, और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पिगमेंट होते हैं, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इस क्लोरोप्लास्ट में किसके अंदर है, इस थैलाकॉइड के अंदर है. ओके, सो सेल है, सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड होता है, थैलाकॉइड के अंदर कौन है, उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स है. या फिर इस पर एक बार और देख लेते हैं, ये और एक प्लांट सेल का डायग्राम है, ये क्लोरोप्लास्ट है, सेल ऑर्गेनल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे न्यूक्लियस या वैक्यूल होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल है, और उसके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं जिनको क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी कहा जाता है इन केस ऑफ ग्रीन अल्गी या क्लोरोफाइसी. अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं यहां पर. अब अगर मैंने ये टिपिकल प्लांट सेल है, अलगी क्या है प्लांट है, तो मैंने यहां पर अगर प्लांट सेल ड्रॉ किया, तो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या है भाई, तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो ये अपना अलगी है, ये अपना अलगी है, अलगी में ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हुआ उसका क्या, सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल. उसके बाद यहां पर अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये आपके कौन है, क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स है, जिसके अंदर ये सैक लाइक क्या होंगे, थायलाकॉइड्स होंगे, और इनमें पिगमेंट्स हैं. अब ये जो सेल वॉल है, ये ग्रीन अल्गी का सेलुलोज, और सेलुलोज के साथ पेक्टोज होने की वजह से सेल वॉल जो है वो रिजिड हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है, मजबूत हो गया है. द सेल वॉल ऑफ ग्रीन अल्गी इज रिजिड बिकॉज ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोज. तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, ग्रीन अल्गी को क्लोरोफाइसी कहा जाता है, वो कॉलोनियल हो सकता है, वॉलवॉक्स उसका एग्जांपल है, फिलामेंटस हो सकता है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है, यूनिसेलुलर हो सकता है, क्लाइमेटोमोनास उसका एग्जांपल है,
उसके बाद मोस्टली पानी में रहना पसंद करते हैं। तो कैसा पानी? फ्रेश मराइन और ब्रैकिश। ब्रैकिश मतलब जहां पर फ्रेश और मराइन वाटर एक दूसरे से मिक्स होते हैं, जहां पर नदी समंदर में मिलती है। अब ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं ये अलगी, क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। बाहर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और पेक्टोस से बना होने की वजह से रिजिड है। आगे बढ़ रहा हूं, ये जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, मैंने कहा कि दे आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, और जो क्लोरोप्लास्ट है भाई उसका शेप वैरी होता है काफी हद तक। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो शेप है, दैट शेप कुड बी डिस्कॉइड, डिस्क जैसा हो सकता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, प्लेट लाइक हो सकता है, प्लेट जैसा, तुम्हें जैसा फराड़ा से घेना रहे उस प्लेट जैसा हो सकता है, डिस्क जैसा हो सकता है, उसके बाद रिबन जैसा हो सकता है, रेटिक्यूलेट, ये भी वर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय रेटिक्यूलेट? तो रेटिक्यूलेट का मतलब होता है नेटवर्क लाइक। तो क्लोरोप्लास्ट को देखते ही नेटवर्क अगर दिखता है तो उस शेप को रेटिक्यूलेट शेप कहा जाता है, या फिर वो स्पाइरल भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है। द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गी वैरीज लाइक अ डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रिबन लाइक, स्पाइरल, रेटिकुलेट, ऐसा कैसा भी शेप वो हो सकता है। ओके, ऐसा कैसा भी शेप उसका हो सकता है। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब फिर से कूदते हैं सेल की तरफ। तो क्या कहा मैंने सेल में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाहर सेल वॉल किससे बना है? वो रिजिड है क्योंकि वो बना है सेलुलोज और पेक्टोस से। उसके बाद ये न्यूक्लियस कॉर्नर पे खिसका देते हैं, उसका कुछ काम है ही नहीं। अबे यहाँ पे काम किसका है? इस बंदे का है जिसका कलर मैं जरा चेंज ही कर देता हूँ, अलग दिखना चाहिए ना, जरा सूट बूट टाई कोट में। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है जिसकी शेप मैंने बता दी है कि डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, रिबन लाइक या स्पाइरल हो सकता है। इसके अंदर कौन है? इसके अंदर थाइलाकॉइड्स है। थाइलाकॉइड्स के अंदर कौन है? थाइलाकॉइड्स के अंदर है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये था अब तक का स्टोरी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें आपको एक स्पेशल कलर का, स्पेशल टाइप का स्टोरेज बॉडी मिलता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको कहा जाता है पायरिनोइड, सिंगुलर और प्लूरली पायरिनोइड्स। ये जो पायरिनोइड है काय रहते तर ती पिशवी आहे, आणि त्या पिशवीत काय भरून ठेवलेलं आहे? खाऊ भरून ठेवलेला आहे। कोणी? या अल्गीने। तर ज्या पिशवीमध्ये खाऊ भरून ठेवलेला असतो त्या पिशवीला ग्रीन अल्गीमध्ये पायरेनॉइड्स म्हटलं जातं। तर मग खाऊ कशाच्या फॉर्म मध्ये असू शकतो? प्रोटीन्स या स्टार्च। लेकिन अगर पूछा जाए कि मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन ग्रीन अल्गी इज, तो इट इज अ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें लड्डू है दिवाली के जिसमें शुगर ही शुगर है, कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च के फॉर्म में इस पायरेनॉइड नाम की थैली में क्या भरा पड़ा है? प्रोटीन और स्टार्च भरा पड़ा है। और पायरेनॉइड किसके अंदर है? पायरेनॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है? सेल के अंदर है। किस सेल के अंदर? ग्रीन अल्गी के सेल के अंदर है भैये। कौन? पायरेनॉइड। जितपर्यंत डाउट वाटला तिथं मला कळवा। देन आगे बढ़ रहा हूं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। मैंने कल ही बताया था कि रिप्रोडक्शन में वही बातें आने वाली है। ओके, सो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन तीन तरह से हो सकता है। एक वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अल्गी की जो मेन बॉडी है वो टूट जाती है ऐसे अलग अलग टुकड़ों में, और हर टुकड़ा जो है वो पूरा अलगी बना लेता है। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय फ्रैगमेंटेशन। किससे हो रहा है वो? फ्रैगमेंटेशन से हो रहा है। सो यहां पर लिख देता हूं फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद सेकेंड, पोरांनो दिवाळीच्या सुट्ट्या संपण्यापूर्वी सगळे टॉपिक बघून टाका, कव्हर करून टाका। मी परत सांगतो की दिवाळीनंतरचं वातावरण फार वेगळं असेल। एकतर ऑफलाईनचे चान्सेस आहेत सुरू होण्याचे, त्याच्यानंतर तुमचेही सगळ्या ज्या ज्या डोक्यातले थॉट्स आहे, बीएचएमएस करावं का, बीडीएस घ्यावं का,
की बीएससी करावं की रिपीट करावं, या सगळ्या थॉट्सला पूर्ण विराम मिळतो, एक्सक्लुसिव्हली रिपीट होतो. आणि मला असं वाटतं ते कन्फ्युजन नसावं पण, एक रिपीट तो बनताय भाई. म्हणजे मला पण माझ्या वेळेला बरेच जण सांगत होते की नको करू, असं नको करू, ते नको करू, कारण त्यावेळेला आमच्या माहितीतलं कोणीच नव्हतं या गोष्टींविषयी गाईड करायला. तर मी तुम्हाला परत सांगतोय की जर तुमचं रिपीटचं डिसिजन ठरलंय काय फरक पडणार एक वर्ष लेट, पण जर का जमलं तर मग थेटच आहे डायरेक्ट मेडिकल कॉलेजला. सो अब देखो भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्रेगमेंटेशन से, उसके बाद दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो अल्गी है ना आपका, ये अल्गी स्पोर्स बनाता है, स्पोर्स, उन स्पोर्स में, स्पोर्स को अगर मैग्निफाई कर दूं तो उनमें ना फ्लैजेलम होते हैं. ओके, ये जे अल्गी है पोरांनो, या अल्गी चे सेल्स फ्लैजेलेटेड असू शकतात, आणि ज्या वेळेला सेल मध्ये फ्लैजेलम असेल तो अपेक्सला असेल, अपेक्स कडे असेल, बेस कडे नसेल. आणि किती फ्लैजेलम, 2 ते 8 फ्लैजेलम, ते पण सगळे सारखेच इक्वल. सो 2 to 8 फ्लैजेला हो सकते हैं इस अल्गी के सेल्स में. कौन से? ग्रीन अल्गी के सेल्स में 2 से 8 फ्लैजेलम हो सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में नहीं, टेबल में लिखा है, दिखा दूंगा. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स से बनता है, और स्पोर्स जो है वो फ्लैजेलेटेड होते हैं, और इन स्पोर्स को कहा जाता है ज़ूस्पोर्स. ज़ूस्पोर्स. अब ये फ्लैजेलम फैशन के लिए तो नहीं रखेगा, वो टाइम पास के लिए तो नहीं रखेगा कि चला आता नवीन स्टाइल है, तर जसं पोरं करतात काहीतरी, तर तसं नवीन स्टाईल काहीतरी, म्हणजे काय की इथंच म्हणजे इथे पांढरा कलर लावायचा, इथे हिरवा लावायचा, इथे निळा लावायचा, असं ते मोरासारखं बनून येतात काही जण, तर ती फॅशन झाली. इथं तसं हे नाही करत आहे, हे फॅशन नाही आहे. हे कशासाठी आहे? तर याला मोटिलिटीसाठी हे ऑर्गन्स आहे. काय ते? फ्लॅजेला ये जो है वो देखो भाई, ऑफलाइन शुरू होने के बाद भी ये बैच कंटिन्यू रहेगा, मतलब ऑनलाइन का जो बैच है वो कंटिन्यू रहेगा. किसी का सवाल है वहां पे तो ये बैच कंटिन्यू रहेगा. हाँ, तो ऑफलाइन वाल्यांच्या वेगळ्या बैचेस असतील आणि ऑनलाइनच्या वेगळ्या बैचेस असतील. हाँ, और कुछ दारूवाला भाई? सो ज़ूस्पोर्स ये मोटाइल है. आगे बढ़ते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 टाइप से हो सकता है. इसमें अगर गैमेट्स जो है वो एक जैसे ही बनते हैं तो उसे कहेंगे आइसोगैमस. तो कुछ स्पीसीज जो है ग्रीन अल्गी के वो आइसोगैमस मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब सेम गैमेट बनाते. कुछ स्पीसीज जो है वो अनआइसोगैमस है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं, तो यहां पर अनआइसोगैमस. कुछ स्पीसीज जो है वो ऊगैमस है, ऊगैमस में ये अंडा जो है इधर खींच लेना और उसको बड़ा कर देना कि बड़ा सा फीमेल गैमेट होता है जो नॉन मोटाइल है, और छोटा सा इक्तु सा मेल गैमेट होता है जो मोटाइल है. तो आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस, तीनों तरीकों से ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, तीनों तरीकों से वो रिप्रोड्यूस कर सकता है. तो भाई अब लास्ट में आ गए हम इस टॉपिक के, सॉरी इस बीट के, जिसमें है एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स में आपको निमोनिक याद रखना है. मैं तीनों अलगी का निमोनिक मतलब लिख देता हूं, मतलब जिसमें वो रेड अलगी भी आएगा, ग्रीन अलगी भी आएगा और ब्राउन अलगी भी आएगा, बाद में उसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करते जाएंगे. निमोनिक क्या है तीनों अलगी के लिए? ग्रीन कलर की, जो भी मैं हिंदी में लिखूंगा उसका कुछ मतलब नहीं, उसके कुछ मायने नहीं है. ओके, ग्रीन कलर की SUV कार लेकर लेकर एक डॉक्टर फंस गया पंजाब में. इसमें तीनों अलगी आ गए. ग्रीन कलर की एसयूवी कार लेकर एक डॉक्टर फंस गया पंजाब में. अब इसमें कुछ मतलब समझ लेते, पहले निमोनिक चे पण अर्थ सांगावा लागतात, ते पूर्ण नंतर. सर ती एसयूवी काय? तर हे बघा ना, ग्रीन कलर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. एसयूवी मतलब स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल. आपले जे कार असतात ना पोरांनो, मला माहिती होतं कोणाला तरी डाउट येईल, हा म्हणून मी त्याची पण इमेज घेऊन ठेवली होती की एसयूवी म्हणजे काय. तर पोरांनो गाड्या
वेगळ्या टाईपच्या असतात, ज्या कार फोर व्हीलर ज्या असतात ना त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टाईप्स पडतात. तो जिस जो गाडी ऐसी है, मतलब जिसका ग्राउंड क्लिअरन्स कम है, जो चार लोगों के लिए है, चार लोगों के लिए है, और जिसमें पीछे से वहां पर मतलब स्टोरेज के लिए स्पेस है, डिक्की है मागे गाड़ी मध्ये, तर तशा गाडीला सिडान म्हटलं जातं. म्हणजे आपली कार, टिपिकल कार जी असते तिला काय म्हटलं जातं, सिडान. जी गाडी 6 ते 8 लोकांसाठी असते, जिचा ग्राउंड क्लिअरन्स मोठा वरती असतो, गाडी मोठी असते, अशा गाड्यांना SUV म्हटलं जातं, स्पोर्ट युटिलिटी व्हेइकल. तर ही जी SUV आहे ही अशी, तुम्ही आता ही फॉर्च्युनर किंवा एंडेवर किंवा मग ती आणखी कुठली बऱ्याच गाड्या त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली, आणखी कुठली रे, ही हा स्कॉर्पिओ पण त्याच्यामध्ये येते. तर स्कॉर्पिओ, एंडेवर, फॉर्च्युनर, सफारी या सगळ्या गाड्या SUV मध्ये येतात. मोठ्या अशा ज्या गाड्या असतात त्या SUV मध्ये असतात. ओके, SUV सेगमेंटमध्ये येतात, स्पोर्ट युटिलिटी व्हेकल, किंवा त्याच्यामध्ये 7-8 जण बसतात त्या स्पोर्ट युटिलिटी व्हेकल मध्ये येतात त्या. तर न्यूमॅटिक मध्ये ही अशी गाडी म्हणजे SUV, अशी गाडी म्हणजे सिडान. आणि जिला मागून डिक्कीच नसते ना पोरांनो, तिला हॅचबॅक म्हणतात. हा, तिला काय म्हणतात, मागून बसलेली जी असते ना तिला हॅचबॅक म्हणतात, डिक्की नसलेली. तर हे नंतर पण कामाला येईल तुम्हाला. म्हणजे तुम्ही हे जे आहे, ही जी इन्फॉर्मेशन येते तुम्हाला, जर तुम्ही मेडिकलला लागलात, MBBS ला गेला, तरच कामाला येईल गाडी घ्यायला. म्हणजे लागलात तर स्वतःची गाडी घ्याल, नाही लागला तर मग ते आता जाऊ द्यांना बोललेलंच बरं, दिवाळीच्या सुरुवातीलाच कशाला कोणाला बोलायचं. सो तुम्ही कह रहा था, ग्रीन कलर की SUV कार लेकर एक डॉक्टर फंस गया पंजाब में. अब इसमें ना तीनों अलग आ रहे, तीनों में पहला जो है इस कार तक कौन है, ग्रीन अलगी है. उसके बाद फंस तक ब्राउन अलगी है, और गया पंजाब तक पंजाब में कौन है, रेड अलगी है. तो ग्रीन इज फॉर ग्रीन अलगी, ग्रीन इज फॉर ग्रीन अलगी. उसके बाद कलर से बनता है क्लैमेडोमोनास, क्लैमेडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर अलगा है, क्लैमेडोमोनास. एस इज फॉर स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा. एस में भी आपको एक और निमोनिक दिखना चाहिए, सू, क्योंकि ये फिलामेंटस है, दोनों भी फिलामेंटस. यू इज फॉर यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स. वी इज फॉर कॉलोनियल, अपना वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स. वॉल्वॉक्स लिखते समय ना, मैं जब पढ़ता था तब हम ऐसा लिखते थे, वॉल्वॉक्स कॉलोनी, वॉल्वॉक्स. ओके, वॉल्वॉक्स दो बार बोल रहा है, वॉल्वॉक्स मतलब कॉलोनियल है. वॉल्वॉक्स यानी इसमें कॉलोनीज दिखने चाहिए इस ओ में आपको. और कार का होता है कारा, कारा. सो ग्रीन क्लैमेडोमोनास, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स के दो ओ, यानी वो कैसे है, कॉलोनीज है, वो दो ओ क्या है, कॉलोनीज है. और उसके बाद कार का है क्या, कारा. ये है निमोनिक किसका, ग्रीन अलगी का. तो भाई चलो शुरू से स्टार्ट करते एक बार. ये देखो, ये दोनों इमेजेस यहां पर दिए गए हैं. दिस इज द वॉल्वॉक्स, और ये फिलामेंटस कौन है, दिस इज द अपना यूलोथ्रिक्स है वो. देन ये लोड लेगा तब तक हम अपना पढ़ लेते हैं. हमने शुरुआत की है ग्रीन अल्गी से, पटापट बघा तुम्हाला किती पॉइंट्स रिकॉल होतात. तर सो ग्रीन अल्गी या क्लोरोफाइसी कॉलोनियल हो सकता है, वॉल्वॉक्स ये दो ओ यानी कॉलोनीज, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा, और तीसरा है क्लैमेडोमोनास. आता ज्या वेळेला मी रिवाइज करतोय ना त्यावेळेला तुमच्या नजरेसमोर सगळं काय व्हायला पाहिजे, सगळं तुम्हाला याच्यामध्ये उतरायला पाहिजे. ओके, देन बेटा इराम एनसीईआरटी में है वो, आप देखो लास्ट लाइन होगा उस पैराग्राफ का. यूलोथ्रिक्स एनसीईआरटी में है, या आपके पास कोई बहुत ही पुरानी एडिशन होगी फिर. सो वॉल्वॉक्स नहीं, हम कहां पर है, हाँ ओके. उसके बाद हैबिटेट एक्वेटिक है, फ्रेश मराइन और ब्रैकिश. ग्रास ग्रीन है क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है. कहां पर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं. उसका शेप कैसे हो सकता है, डिस्कॉइड प्लेट लाइक, रिबन लाइक, रेटिकुलेट या स्पाइरल, स्पाइरल. उसके बाद सेल है प्लांट का तो सेल वॉल होगा ही. सेल वॉल में कौन है, सेलुलोज और पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टोज, सेलुलोज और पेक्टोज. उसके बाद अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें स्टोरेज बॉडी होता है पाइरिनोइड, जिसमें खाना भरा पड़ा है प्रोटीन और स्टार्च के फॉर्म में. उसके बाद रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन है, असेक्सुअली जूस्पोर बनाते हैं जो कि मोटाइल है,
एंड सेक्सुअल आइसोगैमस अनआइसोगैमस या ऊगैमस तीनों तरीकों से हो सकता है, तीनों के मतलब देख चुके हैं। निमोनिक क्या है? ग्रीन कलर की एसयूवी कार। तो ग्रीन इज फॉर ग्रीन एल्गी, कलर इज फॉर क्लाइमेडोमोनास, एस इज फॉर स्पायरोगायरा, यू इज फॉर यूलोथ्रिक्स, वी इज फॉर वॉलवॉक्स एंड सी ए आर कार इज फॉर कारा। ओके, दिक्कत परेशानी अड़चन। देन इराम बेटा मिल गया, कहां पर है एनसीईआरटी में? तो चलो अब दूसरा शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्राउन अल्गी। तो ब्राउन अल्गी कहां पर है, कहां पर पाए जाते हैं? तो ब्राउन अल्गी आर मोस्टली मराइन होते हैं, मराइन मोस्टली। लेकिन भाई ये तो हुआ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, लेकिन आपको अगर आपके सामने बुक होगी और उसमें वो टेबल दिखाई दे रहा होगा, कौन सा टेबल? जो अल्गी के आखिर में दिया है, रेड अल्गी के बाद जो टेबल दिया हुआ है उसमें आपको दिखेगा कि हर अल्गी के सामने फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और ब्रैकिश वाटर भी लिखा गया है। तो मोस्टली मराइन है बट कैन लिव, कैन फाउंड इन फ्रेश एंड ब्रैकिश वॉटर। खाडीचं जे पाणी असतं जिथं नदी समुद्राला मिळते तिथे गोड्या पाण्यामध्ये दोन्हीकडे हे सापडत असतात किंवा सापडू शकतात। ओके, उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है? फियोफायसी। फियोफायसी क्लोरो इज फॉर क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसलिए क्लोरो इज फॉर ग्रीन अल्गी। रोडो के स्पेलिंग में आर है इसलिए वो रेड अल्गी। इधर कुछ भी नहीं, हर चीज के लिए निमोनिक नहीं रहता, सो इधर कुछ नहीं है, चुपचाप से याद करना है कि फियोफायसी इज अ ब्राउन अल्गी। सो मोस्टली मराइन होते लेकिन फ्रेश और ब्रैकिश वाटर में मिल जाते हैं। इनका जो कलर है उससे भी पहले पिगमेंट्स, इनमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं? तो एक तो चीज समझ लो भाई, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अगर छोड़ दो, ठीक से सुनना, क्रांतिकारक वाक्य है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जर सोडले तर या जगात जेवढेही फोटोसिंथेसिस करणारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल असतं, क्लोरोफिल ए असतं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया छोडकर फोटोसिंथेसिस करने वाले कोई भी ऑर्गेनिज्म रहने दो, उनमें क्लोरोफिल ए होता ही है। मतलब कल जाके आप भी अगर फोटोसिंथेसिस करने लगो तो आप में क्लोरोफिल ए मिल जाएगा। ओके, तो एकदम गजनी सारखं करून ठेवा मनावर, शरीरावर नाही। तर पिगमेंट जे असतात ते पिगमेंट, कारण तुमचे बाकीचे कॅरेक्टर तर गजनीश फार मॅच होतात, दोन दिवसापूर्वीच आठवत नाही तुम्हाला की काय झालंय, टॉपिक कुठला आहे, फिजिक्स मध्ये काय झालंय, केमिस्ट्री मध्ये काय झालंय। सो पिगमेंट्स, तो मैं कह रहा था कि दुनिया में कोई भी फोटोसिंथेसिस करे उसमें क्लोरोफिल ए तो होगा ही, क्लोरोफिल बी नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल सी होता है भाई, क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। इसके अलावा ऑरेंज कलर के पिगमेंट का एक ग्रुप होता है जिसको कहा जाता है कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं इसमें, एंड ज़ैंथोफिल ग्रुप भी होता है, ज़ैंथोफिल येलोइश कलर के पिगमेंट का ग्रुप है। द ग्रुप ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट इज क्लोरोफिल, उसमें अलग अलग पिगमेंट हो सकते हैं ए बी सी डी, तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी है। कैरोटीनॉइड ऑरेंज कलर के पिगमेंट का ग्रुप है और ज़ैंथोफिल येलो कलर के पिगमेंट का ग्रुप है। अब ये जो ज़ैंथोफिल है इसमें येलो कलर के कई सारे पिगमेंट है, उसमें से एक पिगमेंट का जिक्र यहां पर स्पेशली आता है, फ्लूकोक्सैंथिन। कौन है वो? फ्लूकोक्सैंथिन। क्यों कह रहा हूं मैं फ्लूकोक्सैंथिन? ये जो फ्लूकोक्सैंथिन है इसका अमाउंट कितना है सेल में? ब्राउन अल्गी के सेल में अमाउंट ऑफ फ्लूकोक्सैंथिन डिटरमाइंस द कलर ऑफ दिस ब्राउन अल्गी, क्योंकि ब्राउन अल्गी का कलर वैरीज फ्रॉम olive green, the color of brown algae varies from olive green to brown, shade उसके olive green से brown तक कैसे भी हो सकते हैं। और इसमें किसका मतलब कौन है इसमें? तो इसमें फ्लूकोक्सैंथिन का अमाउंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि द अमाउंट ऑफ फ्लूकोक्सैंथिन कितना ज्यादा है उस पर ये कलर डिटरमाइन करता है olive green से brown तक। brown तुम्हाला माहिती आहे, olive green म्हणजे असा कोणा शाऊ कसा शाळेत गेला कौन, ऑलिव ग्रीन है। सो दिस इज द
टिपिकल ऑलिव ग्रीन कलर। इस ऑलिव ग्रीन से लेके वैरी हो रहा है वो किस तक, ब्राउन तक, ओके। और ये शेड जो है वो डिपेंड करते हैं किस पर, उस फ्लूकोक्सांथिन पर। लेकिन फ्लूकोक्सांथिन अकेला है क्या? नहीं, फ्लूकोक्सांथिन अकेला नहीं है, उसमें कैरोटीनॉइड्स भी है, बाकी बाकी ज़ैंथोफिल भी है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल सी भी है, ओके। अब सेल है तो भाई सेल वॉल होगा क्योंकि प्लांट का सेल है, तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद ये रहा सेल वॉल। तो जो ब्राउन सॉरी ग्रीन अल्गी था, उस ग्रीन अल्गी में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से और पेक्टोस से बना था। याद रखना, प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होगा, प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होता ही है। तो यहां पर भी लिख देना कि सेलुलोज तो है ही, लेकिन इस सेल वॉल के बाहर जर तुम्ही याला हात लावला तर तुमचा हात असा चिकट चिकट लागेल तुम्हाला, म्हणजे तुम्ही जर याला हात लावला तर हात असा चिकट लागेल, अगदी तसाच जसा तुम्ही नाकात हात घातल्यानंतर बाहेर काढल्यावर चिकट चिकट लागतो तुम्हाला, तसाच हात तुमचा इथे लावला तर चिकट चिकट लागेल, कारण तिथे काहीतरी चिकट चिकट आहे। ते चिकट चिकट काय, तर एक वेळेला ड्रॉ करून देऊ। चिकट चिकट तुमच्या नाकामध्ये जसं चिकट चिकट काहीतरी असतं, तसं चिकट चिकट काही जण म्हणतील नाही आमच्याकडे असं काय नसतंय, आमच्याकडे असं काय नसतंय, आम्हाला नाही माहिती, पण मला माहिती तुम्हाला ते चिकट आणि टेस्ट दोन्ही माहिती आहेत। तर असो हा जो सेलुलोज आहे, ती तर सेलुलोज झाली, याच्या बाहेर काय असतं? तर याच्या बाहेर इथं असतं अल्गीन। ते चिकट चिकट म्हणजे त्याला काही सर्दी नाही झालेली, तो अल्गीन नावाचा एक जिलॅटिनस स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट करतो अल्गीन। सो सेलुलोज के सेलवॉल के बाहर अल्गीन है, चीजें कोरिलेट हो रही है। कल का अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट देखो अल्गी का, तो उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये साफ साफ हमने देखा था, मेंशन किया था कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है जिसका नाम है अल्गीन, जो ब्राउन अल्गी सिक्रेट कर रहा है। तो ये ब्राउन अल्गी में जो अल्गीन है वो उसके सेलवॉल के बाहर होता है, वैसे भी प्रेजेंट, वो सिक्रेट कुछ बाकी कामों के लिए नहीं कर रहा है, ओके। हाँ, तो चलो भाई, अब ये तो हो गया सेल वॉल से बाहर से अंदर जाते समय पहले काय लागेल, चिकट चिकट, ते काय अल्गिन, त्याच्यानंतर सेल्युलोजचा सेल वॉल, त्याच्यानंतर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मग तुम्ही सायटोप्लाझम मध्ये डुबकी मारली की तुम्हाला युकॅरियोटिक सेल आहे, न्यूक्लियस सापडेल, असा मोठा तलाव वॅक्युम सापडेल, ये वॅक्युल है, ये न्यूक्लियस है, साथ ही साथ प्लास्टिड मिलेगा। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, वो हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के वक्त ये सारे पढ़ेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट, और इसमें जो फूड स्टोर्ड है भाई, दैट फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लाइन याद रखना, फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है कौन? तो उनका नाम है लैमिनरीन, लैमिनरीन एंड एंड मैनिटॉल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड स्टोर्ड है, और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में पहला है लैमिनरीन, दूसरा है मैनिटॉल। उधर पहला कौन था, उधर कौन था, स्टार्च था, कहां पर, ग्रीन अल्गी में। और एक लाइन और मुझे ऐड करनी ग्रीन अल्गी में, कि ग्रीन अल्गी में तो पाइरिनोइड्स के अंदर स्टार्च होता है मोस्टली, लेकिन कुछ अल्गी ऐसे जिनमें ऑयल के फॉर्म में भी फूड स्टोर्ड होता है। सम ऑफ द अल्गी ऑल्सो स्टोर दी क्या, ऑयल और फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। कशाचा रिकॅप रे प्रथमेश? सो बघा इकडे, तो ये सब कुछ है। अब यहां पे फिर से शुरू करते हैं, हमने ब्राउन अल्गी पढ़ना शुरू किया है, त्याचं घरचं नाव काय आहे, घरचं नाव ब्राउन अल्गी आहे, शाळेत काय त्याचं, फ्युओफायसी। जसं तुमचं घरचं नाव पिंट्या बबल्या सोन्या असतं, शाळेतलं नाव अनिरुद्ध, त्याच्यानंतर प्रथमेश, त्याच्यानंतर अजून काय इथे स्वप्नील, असं असतं शाळेतलं नाव, घरचं नाव पिंट्या बबल्या सोन्या।
आणि याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला अजून एक नाव असतं पोरांनो मित्रांमध्ये, जे की मी इथं नाही सांगू शकत. मित्रांमध्ये प्रत्येकाला अजून एक नाव असतं, तर ते इट्स ओके. तसं हे घरचं नाव राहून अलगी आहे, कारण तो राहून दिसतो. शाळेतलं नाव आहे फिओफायसी. त्याच्यानंतर मोस्टली कहां पर है वो मराइन एनवायरमेंट, मतलब एक्वेटिक है, उसमें भी समंदर में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है, समंदर का लुटेरा ही है. लेकिन कभी कभी तालाब में भी आ जाता है, कभी कभी ब्रैकिश वाटर में भी आ जाता है. पिगमेंट क्लोरोफिल ए, दुनिया भर के सारे फोटोसिंथेसिस करने वालों में क्लोरोफिल ए होता ही है. उसके बाद क्लोरोफिल सी ब्राउन अल्गी में, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल. इस ये ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड एक एक पिगमेंट नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट. ऑरेंज कलर के पिगमेंट का ग्रुप कैरोटीनॉइड. उसके बाद ज़ैंथोफिल कौन से पिगमेंट का ग्रुप है, इट इज अ ग्रुप ऑफ येलोश पिगमेंट या येलो कलर पिगमेंट. उसमें एक पिगमेंट है फ्लुकोक्सांथिन, और उस फ्लुकोक्सांथिन के अबंडेंस पे डिपेंड करता है कि कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कैसे वैरी होता है, या ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक कैसे वैरी करेगा, या कैसा कलर रहेगा. देन इसमें बाहर से अंदर, सबसे बाहर चिकट 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 का है अल्गीन. उसके बाद सेलुलोज से बना सेल वॉल. उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर वो सब कुछ जो एक यूकैरियोटिक सेल में होता है, जैसे कि वैक्यूल, जैसे के न्यूक्लियस, जैसे के प्लास्टिड, यानी के जैसे के करने की जगह हम एक बार सेल द यूनिट ऑफ लाइफ दिवाली के बाद पढ़ लेंगे, तब आपको पता चलने ही वाला है, क्योंकि हर एक चीज तो वैसे भी डिटेल पढ़नी होती है. तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जब पढ़ते हैं हम लोग, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे अटैच, उसके बाद ये वैक्यूल है तालाब जैसा, दिस ग्रीन कलर्ड आर दी क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे बहुत से ऑर्गेनल होते हैं, बाकी सारे यहाँ पर नहीं भी है डायग्राम में दिए हुए. तो हम ये लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे कब, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में. एनसीईआरटी की लाइन इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिक नहीं होते, उसमें ये तालाब भी होता है, वैक्यूल जैसा, ये न्यूक्लियस भी होता है, ये बाकी सब कुछ होता है, क्योंकि वो एक यूकैरियोटिक सेल है. देन फूड किस फॉर्म में स्टोर है, स्कूल में डब्बा क्या, डब्बे में क्या लेके जाता है वो, तो उस डिब्बे में लेके जाता है लैमिनेरिन और मैनिटॉल. क्या है वो, कॉम्प्लेक्स स्टार्च है. वही ग्रीन अल्गी क्या लेके जाता है, स्टार्च. कुछ ग्रीन अल्गी ऑयल भी लेके जाते हैं, कुछ ग्रीन अल्गी में ऑयल होता है, कुछ जो कौन सा अल्गी है, ब्राउन अल्गी जो है, मतलब ग्रीन अल्गी में स्टार्च, और कुछ सम ऑफ द ग्रीन अल्गी ऑल्सो स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल. व्हाइल हियर इन केस ऑफ ब्राउन अल्गी इट स्टोर्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल. लैमिनेरिन और मैनिटॉल. अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. फिर से बातें घूम फिर के, दुनिया गोल है भाई और चीजें वहीं पर आती है. कल से तीसरी बार लिख रहा हूं, कल एक बार लिखा ब्राउन एल्गी में, एक बार लिखा था वही लिख रहा हूं. रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, उसके बाद लेकिन कुछ पॉइंट है नए है, कुछ पॉइंट अलग है. असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आगे भी जब रेड अल्गी लिखूंगा तब भी बदलेगा नहीं, के फ्रैगमेंटेशन से होता है. मेन अल्गी के बॉडी के फ्रैगमेंट्स होते हैं, उससे नए नए अल्गी या नए प्लांट बॉडीज बन जाते हैं. तो फ्रैगमेंटेशन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल में यहां पर भी जूस्पोर्स बनते हैं, जूस्पोर्स. और इन जूस्पोर का जो शेप है, याद रखना मैंने किडनी में यूरिनरी ब्लैडर पढ़ाते समय पियर शेप के बारे में जिक्र किया था, कि ये जो पियर शेप है ये बार बार आता है. एक बार उस किडनी की यूरिनरी ब्लैडर में आया है कि वो पियर शेप है, दूसरी बार ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते समय यूटेरस का शेप जो है वो एनसीईआरटी में लिखा है कि इन्वर्टेड पियर जैसा है. और तब भी मैंने कहा था कि अल्गी में जो गैमेट्स हैं उसमें भी स्पेसिफिकली ये जो ब्राउन अल्गी है इसके जो गैमेट्स हैं, मतलब गैमेट्स और ये असेक्सुअल स्पोर दोनों का शेप, नॉट जस्ट द गैमेट्स, ये असेक्सुअल स्पोर और गैमेट दोनों का शेप पायरीफॉर्म, यानी कि जिसका मतलब ही होता है पियर शेप, पायरीफॉर्म या पियर शेप होता है. आगे जाने से पहले पियर देख लेते हैं. पियर ये पियर है भाई, ओके. नाव बघून असं वाटतं कायच असेल हे, तर आपलं ल, तो ये पियर है, ओके. तो अब आगे बढ़ते हैं. ये जो पियर है इसके जैसा शेप, यानी कि ये पायरीफॉर्म शेप है, इसके जैसा शेप किसका होता है, इन जूस्पोर का होता है. अब मैं उसके जैसा ही शेप निकालूंगा, माझ्या कला गुणांना मी न्याय देणार, वाव देणार.
तो ये भैया आपका पियर शेप हो गया, एग्जैक्टली वैसा ही। इसके लैटरली एक बड़ा और एक छोटा, या यू कहो कि दोनों अनइक्वल फ्लैजेलम होते हैं, मतलब दे आर बाय फ्लैजेलेट होते हैं, और दोनों फ्लैजेलम अनइक्वल होते हैं। पॉइंट एक एक वर्ड की तरफ ध्यान देना, और अपेक्स या बेस की तरफ नहीं होते, लैटरली होते हैं। अपेक्स की तरफ इक्वल 2 to 8 फ्लैजेलम, किसका फीचर है, क्लोरोफेसी का है। 2 से 8 अपाइकल फ्लैजेलम, इक्वल अपाइकल फ्लैजेलम इज द फीचर ऑफ ग्रीन अलगी। इन ब्राउन अलगी 2 फ्लैजेलम होते हैं जो लैटरली है, अपेक्स या बेस की तरफ नहीं, लैटरल है, अनइक्वल है, अनइक्वल है। दूसरा क्या कहा मैंने, लैटरल है, लैटरल है, अनइक्वल है, मतलब ये जूस पोर इसकी वजह से क्या हो गए, मोटाइल हो गए, मोटाइल हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स जो बनते हैं, ये इन गैमेट्स में सेम ये लाइन कॉपी पेस्ट कर रहा हूं कि गैमेट्स जो है वो पायरीफॉर्म है, पियर शेप है, पायरीफॉर्म या पियर शेप। उसके बाद उसमें भी सेम यही बात कि दो अनइक्वल बाय फ्लैजेलेट जो कि अनइक्वल होते हैं एंड लैटरल होते हैं, अनइक्वल लैटरल एंड दो दो फ्लैजेलम है इनमें। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से हो सकता है। अगर गैमेट दो जो है वो एक जैसे बने तो इट कुड बी आइसोगैमस, इट कुड बी आइसोगैमस। अगर गैमेट अलग अलग बने, मॉर्फोलॉजिकली अगर गैमेट अलग बने तो उसे कहते हैं, क्या चल रहे कमेंट्स कड़े, हे करण्यापेक्षा इकडे लक्ष द्या। अच्छा तुम्ही आणखी तर घरच्या नावांमध्येच का, पिंट्या, बाळा, मी सांगू का तुमचे नाव, हां इकडे बघा, ये जो है वो आइसोगैमस हो सकता है। उसके बाद एनआइसोगैमस हो सकता है, एनआइसोगैमस हो सकता है, यानी कि गैमेट अगर एक जैसे है तो भाई आइसोगैमस, अगर गैमेट अलग है दिखने में मॉर्फोलॉजिकली तो अनआइसोगैमस, और ये बड़ा सा अंडा निकाल दिया मैंने, ऊगैमस। ऊगैमस में बड़ा सा फीमेल गैमेट होता है और इत्तु सा मोटाइल मेल गैमेट होता है, उसे ऊगैमस कहा जाता है। ऊगैमस रिप्रोडक्शन जो होगा, यानी जो स्पेसीज इसमें से ऊगैमस है उनमें, उनके बॉडी में, ये सपोज थैलस लाइक वो बॉडी है, उसके बॉडी में क्या होगा, एक ऊगोनियम नाम का स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा, उसके अंदर गैमेट्स फ्यूज होंगे। मतलब इन केस ऑफ ऊगैमस स्पीसीज, गैमेट्स में फ्यूज इनसाइड द ऊगोनियम। ऊगोनियम क्या है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहा है उस पैरेंट बॉडी में और वहां पर गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, या फिर पानी में बाहर भी फ्यूज हो सकते हैं। मतलब इन ऊगैमस स्पीसीज, गैमेट्स में फ्यूज इनसाइड द ऊगोनियम जो कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहा है पैरेंट बॉडी में, या फिर आउटसाइड द बॉडी इन द वॉटर। साथ ही साथ अब एक और चीज जो यहां पर हमें बहुत अच्छे से रिमाइंड करनी है, ये जो ब्राउन अल्गी है ये नीचे जो जिस चीज पर ग्रो कर रहे हैं, वो गीली लकड़ी हो सकती है, वो पत्थर हो सकता है, वो पानी हो सकता है, कुछ भी, उसके नीचे जो कुछ भी है उसे कहते हैं सबस्ट्रैटम। मतलब समझ लेना, एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया है सबस्ट्रैटम। सबस्ट्रैटम यानी जिस पर अल्गी ग्रो करेगा, वो बेस, वो कुछ भी हो सकता है, ओके। उस सबस्ट्रैटम से अल्गी अटैच है विद द हेल्प ऑफ, या इसे ऊपर ले लेते हैं, जो कोई भी स्ट्रक्चर है जिस पर अल्गी ग्रो कर रहे हैं उसे कहते हैं सबस्ट्रैटम। गीली लकड़ी है, गीला पत्थर है, मिट्टी है, कुछ भी है, तेरी मिट्टी है या तेरा गीला पत्थर है, कुछ भी रहने दे, वहां पर क्या है, इसे सबस्ट्रैटम कहा जाता है। अब ये जो सबस्ट्रैटम है इससे अटैच होने के लिए अल्गी के पास जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे कहा जाता है होल्ड फास्ट। विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट अल्गी, दिस ब्राउन अल्गी इज अटैच विद द सबस्ट्रेटम, यानी उस बेस से। उसके बाद ये जो स्टॉक लाइक होता है इसे कहा जाता है स्टाइप, इसे क्या कहते हैं, स्टाइप। एंड देन यहां पर लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स होंगे, लीव्स लाइक जो स्ट्रक्चर यहां पर होंगे उन्हें कहा जाता है फ्रॉन्ड। सो अल्गी हैव अ लीफ लाइक फ्रॉन्ड, स्टॉक लाइक या स्टेम लाइक स्टाइप, एंड बेस की जिसकी मदद से वो सबस्ट्रेटम से अटैच है उसे कहा जाता है होल्ड फास्ट। बात आई है एग्जाम्पल देखने पर, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने निमोनिक क्या कहा था, निमोनिक ये लिखा था हमने कि भाई
ग्रीन कलर। अब आपको जैसे जैसे मैं निमोनिक लिखूंगा आपको ये पॉइंट्स इनके मतलब समझने चाहिए या याद आ जाने चाहिए। ग्रीन इज फॉर ग्रीन एल्गी, कलर इज फॉर क्लाइमेटोमोनास, आगे के आपको याद आने चाहिए। ग्रीन कलर की SUV कार, यहां तक था कौन, यहां तक था ब्राउन ग्रीन एल्गी। लेकर लेकर एक डॉक्टर फस और आगे गया पंजाब में, ये रेड एल्गी का है। तो लेकर इज फॉर लैमिनारिया, लैमिनारिया लेकर इज फॉर लैमिनारिया। एक इज फॉर इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस। डी इज फॉर डिक्टायोटा, डिक्टायोटा। एंड फस इज फॉर फ्यूकस, फस का क्या है, फ्यूकस है। अब इसमें ये जो इक्टोकार्पस है भाई, इसके साथ एक और चीज का जिक्र होना जरूरी है और वो है केल्प्स का। वो क्या है, केल्प्स का। क्यों, क्योंकि ब्राउन अलगी, जैसे मैंने हमने ग्रीन अलगी में लिखा था कि वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं जैसे कि क्लाइमेडोमोनास, कॉलोनियल हो सकते हैं जैसे कि वॉलवॉक्स, या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पायर वगैरह। वैसे ग्रीन अलगी सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस हो सकते हैं, छोटे छोटे हो सकते हैं, सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस जैसे कि इक्टोकार्पस, या दे कुड बी मैसिव लाइक अ ह्यूज प्लांट बॉडी जो कि 100 मीटर से भी ज्यादा हाइट तक ग्रो करता है। मतलब मोर देन 100 मीटर हाइट पे, उतनी ऊंचाइयों पे जो ग्रो करे, ऐसे जो अल्गी है वो है केल्प्स। ये कल भी देखा था हमने कि ये जो केल्प्स है ये 100 मीटर की हाइट पे ग्रो कर रहा है, उतना हाइट 100 मीटर की हाइट पे नहीं, 100 मीटर हाइट तक ग्रो कर रहा है, कौन, ये केल्प्स। एंड द लास्ट इज रेड अल्गी भाई, रेड अल्गी। तो देन इज देयर एनी डाउट टिल हियर, यहां तक कुछ डाउट है? अर्शान सर, आइसोगैमी आणि अनआइसोगैमी मध्ये पण फर्टिलायझेशन इनसाइड होणार की आउटसाइड होणार याचा आइसोगॅमी अनआइसोगॅमीचा काही संबंध नाहीये, ओके? हा शब्द परत येईल, फर्टिलायझेशन एक्सटर्नल की इंटरनल त्या ऑर्गॅनिझमवर डिपेंड करतं, पण आइसोगॅमी आणि अनआइसोगॅमी गॅमेटच्या शेपशी रिलेटेड आहे, ओके? उमर जे सांगून देईल, ठीक आहे। रेड अल्गी के स्कूल का नाम क्या है, रोडोफाइसी। आणि तुमचं जसं घरी पिंट्या बबल्या सोने आहे तसं त्याचं काय, रेड अल्गी। अब ना मैंने एक बार बोल दिया था कि क्लोरोफिल ये सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया छोड़कर। लिख रहा हूं यहां पर पिगमेंट क्लोरोफिल ए। उसके बाद दूसरा जो कंफ्यूजन होता है कि क्लोरोफिल ए के अलावा कौन सा क्लोरोफिल है, तो हम कौन से अल्गी पढ़ रहे हैं अभी, ग्रीन अल्गी, उसके बाद ब्राउन अल्गी, उसके बाद तीसरा हमने रेड लिया। क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है, उसके बाद बी सी डी कर देना अल्फाबेटिकली, बी सी डी। तो सी था ब्राउन में, बी था ग्रीन में, इधर है क्लोरोफिल डी। लेकिन क्लोरोफिल ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं ग्रीन कलर के, ये तो है रेड, ये तो रेड है। मतलब आप अगर देखो ये है रेड अल्गी, ओके? ये रेड अल्गी है। तो ये रेड क्यों है, द रीजन इज दैट कि ये रेड इसलिए है क्योंकि इसमें एक और पिगमेंट है आर फाइको इरेथ्रीन, और इसकी वजह से वो रेड है। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इज आर फाइको इरेथ्रीन। एक क्वेश्चन है जो आपका और एक बार 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक के वक्त रिवाइज, मतलब वो रिपीट होगा क्वेश्चन, ये रेड अल्गी के हैबिटेट के बारे में बात करते हैं कि कहां पर रहना, मतलब कहां पर रहते हैं। सो दे लिव इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर, एंड द थर्ड वन इज मराइन वाटर। लेकिन तीनों में पसंद क्या है, कहां पर रहना पसंद करते हैं, तो मराइन वाटर में रहना पसंद करते दोनों भी, ब्राउन अल्गी भी और रेड अल्गी भी। दे लिव और दे फाउंड मोस्टली इन द मराइन वाटर, खाऱ्या पाण्यात राहणं जास्त पसंद करतात। सो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ब्रैकिश में भी रहते हैं या, लेकिन मोस्टली मराइन वाटर में रहते हैं।
आगे बात करते हैं, तो फिर मराइन वाटर में कैसा एरिया अच्छा लगता है? वार्म, दे प्रिफर वार्मर एरियाज, जिथं टेम्परेचर जे आहे ते वार्म असेल, फार थंड एन्व्हायरमेंट मध्ये ते राहणं पसंत करत नाही, वार्म एरिया मध्ये पसंत करतात. मग आता इथं जर पाणी आहे, हा समुद्र आहे, हा विशाल महाकाय जो मी आता ड्रॉ करतोय पोरांनो, हा विशाल महाकाय समुद्र आहे. आणि या विशाल महाकाय समुद्रामध्ये जर तुम्हाला मी फेकलं आणि म्हटलं अल्गी काढून आणा, तर तुम्ही वरवर शोधताल की खाली जासाल शोधायला रेड अल्गीला. मी जर तुम्हाला या महाकाय समुद्रामध्ये फेकलं आणि सांगितलं रेड अल्गी काढा, तर तुम्हाला ती रेड अल्गी कुठे सापडेल? पोरांनो, ती रेड अल्गी तुम्हाला सरफेस वर पण सापडू शकते आणि खूप डीप पण सापडू शकते. सरफेस वर जिथं की प्लेंटी ऑफ लाइट असते, दे इन वॉर्मर एरिया दे कॅन लिव ऑन दी सरफेस वेअर देअर इज अ प्लेंटी ऑफ सनलाइट, जहां पर लाइट बहुत ज्यादा है, या इवन दे कैन ग्रो डीप और इन टू दी ओशियन, जहां पर सनलाइट बहुत ही कम है. क्यों कम है? मतलब सॉरी, वहां पर क्यों जिंदा रहते हैं वो, कम क्यों है? इसका तो जवाब सिंपल है कि 500 मीटर पेक्षा खाली सनलाइट का जाणार ना, इतका खोलवर का जाणार सनलाइट. दुसरा पॉइंट काय? दुसरा पॉइंट हा है कि ह्या ज्या अल्गी आहेत, कोणत्या आपल्या ग्रेड अल्गी ज्या आहेत, त्या फार कमी इंटेन्सिटीच्या लाइट मध्ये फोटोसिंथेसिस करू शकतात. म्हणजे त्यांचं फोटोसिंथेसिस अतिशय कमी इंटेन्सिटीच्या लाइट मध्ये होऊ शकतं. दॅट्स वाय दे कॅन सर्वाइव डीप इन दी ओशियन, समंदर में बहुत डीप वो जिंदा रह सकते हैं कि जहां पर बहुत ही कम सनलाइट होगा. उसके बाद अब इनमें ये रहा सेल, और सेल के बाहर क्या होता है? सेल वॉल होता है, क्योंकि ये प्लांट सेल है. इस सेल वॉल में क्या बना है? तो मैंने जैसे कि कहा भाई फंगल सेल वॉल है तो काइटिन हम लिख देते हैं, वैसे प्लांट कोई भी हो उसके सेल वॉल में एक चीज तो लिख देना, सेलुलोज. सेलुलोज कंपलसरी है. उसके अलावा पेक्टिन, और उसके अलावा पॉलीसल्फेट से बने, पॉलीसल्फेट इस्टर से बने हुए कंपाउंड. सो सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट इस्टर्स, इन तीनों से इसका सेल वॉल बना है. तो सेलुलोज पहले से आखिर तक ब्राउन, ग्रीन और रेड तीनों में, ब्राउन में, रेड में, सॉरी ग्रीन अल्गी में पेक्टोस था सेलुलोज के साथ, ब्राउन में सेलुलोज के बाहर अल्गीन था, और यहां पर पेक्टिन, पेक्टिन नॉट पेप्टिन, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट इस्टर्स होते हैं. सो सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट इस्टर से इसका सेल वॉल बना है. फूड किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है भाई? तो फूड जो है वो स्टोर कर रहा है फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में, अलग ही लिख देता हूं. फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एज फ्लोरिडीन स्टार्च. फूड जो है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. ये फ्लोरिडीन स्टार्च बाकी कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लाइकोजन या अमाइलोप्रेक्टिन जैसा ही है. मतलब स्ट्रक्चरली ये फ्लोरिडीन स्टार्च ऐसा कंपाउंड है कि जो मैच करता है स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन या फिर अमाइलोप्रेक्टिन जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है. अमाइलोप्रेक्टिन जैसा इसका स्ट्रक्चर है. अब बात होगी रिप्रोडक्शन की. अब मैं यहां पर सेम नहीं रिपीट करूंगा वो चीजें, कुछ फर्क है. रिप्रोडक्शन पहला पॉइंट वैसा ही है. वेजिटेटिव की अगर बात होगी तो सिंपल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से ही होता है, फ्रैगमेंटेशन. ओके, अब असेक्सुअल स्पोर में बात अलग आती है. पहले दोनों जो अलगी हमने देखे पड़े, ब्राउन और ग्रीन, उनमें जूस्पोर जो कि मोटाइल थे, फ्लैजेलेटेड थे. ब्रेड अलगी फ्लैजेलेटेड सेल प्रोड्यूस ही नहीं करता यहाँ पे, तो इसलिए ये जो असेक्सुअल स्पोर्स है वो नॉन मोटाइल होते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बने स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं. एंड द थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्टली ऊगैमस होता है. हमने वहां पर तीनों लिखे थे, आइसो, अनाइसो एंड ऊगैमस. यहाँ पर मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस होता है. ओके, ऊगैमस होता है. देन इसमें
कौन से मेंबर्स कौन से आते हैं, तो हमने क्या पढ़ा, ग्रीन कलर की एसयूवी कार लेकर एक डॉक्टर फंस गया गया पंजाब में। ओके, सो गया का जो जी है वो देता है ग्रासिलारिया एंड जेलिडियम, ग्रासिलारिया और दूसरा क्या है जेलिडियम, और पी का पोरफायरा, पोरफायरा एंड पॉली साइफोनिया, पोरफायरा और पॉली साइफोनिया। दिस इज इट ऑल अबाउट द अलगी। यहां पर तीनों अलगी खत्म होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो भाई अब बोलो, यहां से आज से अभी से इसी वक्त से हमारी हो रही है शुरू दिवाली। दिक्कत परेशानी है क्या कुछ? रेड अलगी एक बार रिवाइज कर ही लो, रोडोफाइसी, रेड अलगी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरेथ्रिन की वजह से लाल है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मराइन वाटर, मोस्टली मराइन वाटर में मिल जाते हैं। वहां पर किसका वार्मर एरियाज में रहना पसंद करते हैं, सरफेस या डीप? दोनों, सरफेस और डीप, जहां पर लाइट ज्यादा है कम है दोनों जगह, क्योंकि कम इंटेंसिटी में भी फोटोसिंथेसिस कर लेता है। सेल वॉल, सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट इस्टर से बना है। फूड स्टोर करता है फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि स्ट्रक्चरली हमारे ग्लाइकोजन या अमाइलोपेक्टिन जैसा ही होता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से असेक्सुअल नॉन मोटाइल क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स। सेक्सुअल में भी नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। ऊ गैमेट्स जो है उसमें कॉमन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ग्रैसिलारिया, जेलिडियम, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। चलो भाई, यस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल। और अन्नो निवांत एंजॉय करा, मी तर मस्त ते आता दोन चार टाईपचे फटाके फार आवडतात मला, तेच फोडणार मी। तो एक तो फेकला की फुटतो तो फारच मजा येते ते फोडायला। पोहोचले ना सुखरूप? यस, व्हेरी गुड। हो सचिन भाऊ, तुम्हाला पण स्पेशल शुभेच्छा। अच्छा, उंबारजीचं म्हणणं सर प्रोटोप्लास्ट आणि प्रोटोप्लाझम मधला फरक सांगा। अरे बाबा, तू दिवाळीवर फोकस कर रे। हे बघ, ही प्लांट सेलची सेल वॉल आहे आणि हा त्याचा काय प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, हा न्यूक्लियस आहे, इथं आजूबाजूला सगळे सेल ऑर्गनल असते। जर प्लांट सेल मधनं सेल वॉल मायनस केली, मतलब सेल मायनस सेल वॉल, यानी बचा हुआ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर का जो कंटेंट है उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। और इसमें से अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल दी तो बचा हुआ जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दी, वो बन गया प्रोटोप्लास्ट। नाही, आता डायरेक्ट आपला शेड्यूल जो आहे तो पुढच्या फ्रायडेला येईल, म्हणजे थर्सडे किंवा फ्रायडेला शेड्यूल देईल मी तुम्हाला। अर्शान, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पर डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जैसे कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब एक्चुअली एम्ब्रियो नहीं फॉर्म हो रहा है लेकिन कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट्स होते हैं और उसके बाद प्रॉपर ऑफस्प्रिंग बनता है। सो एवरीबडी हैप्पी सेफ आणि हेल्दी दिवाळी। त्यामध्ये सेफ म्हणजे फटाके स्टंट मारून फोडू नका, फोडणार असाल तर। यस, बंदूक नाही आज, आज मोस्टली तर मला नाही वाटत, आता आजपासून सुट्ट्या सुरू झाल्या आतापासूनच, त्याच्यामुळे आज हे नसेल डीपीपी, आता डायरेक्ट गुरुवारीच। भाई पीटर दारवाला अपना हमेशा लोडेड ही रहता है। टिकल्यापेक्षा ते दुसरं नाही करत ते असं फेकतात, ते चांगलं आहे आणखी। हॉलीडे 7 दिन है मुस्कान, मतलब अगले थर्सडे फ्राइडे तक होंगे। दिवाळीला कंप्लीट 3 4 4 5 दिवसाचा ब्रेक घ्या, फार काही जास्त डोक्याला ताण देऊ नका, नंतरचे 2 3 दिवस रिकवर होऊन जा आणि असं का कमबॅक करा, म्हणजे एकदम रोहित शर्मा टाइपच तुफान कमबॅक। ओके,
म्हणजे डायरेक्ट डबल सेंचुरी डबल सेंचुरी डबल सेंचुरीच प्रत्येक मॅचला. थँक्यू थँक्यू आकाश. हो सांगतो ना, मॅडमला पण हॅपी दिवाळी सांगतो. चलो यस थँक्यू एव्हरी वन थँक्यू. चलो बाय बाय.